इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपीएसआई को लेके हर वीडियो के नीचे कम से कम 5 से 6 कमेंट हैं। मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी कुछ समय से, मेरे भी एग्ज़ाम्स थे, पर आज मैंने सोचा कि पहले यूपीएसआई का जो तुम्हारे दिमाग में जो वो घुसा हुआ है ना, थोड़ा सा कीड़ा सा, पहले मैं उसको निकाल दूँ, एक बार उसके बारे में बात कर लूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बेकार चला गया, इस वजह से मुझे मेरी जो आखिरी उम्मीद है वो यूपीएसआई है। किन्हीं भी कारणोंवश, जो भी बात रही उनकी, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, रिवीजन कम थी, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, जो भी बात थी उसकी वजह से उनका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं गए थे पर उनका यूपीएसआई के लिए सपना है और वो जेन्युइनली उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं भी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अब बस यूपीएसआई आ जाए जी, आज ही 400 में से 450 नंबर तुम्हें ला के दिखा दूंगा, यूपीएसआई, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज मैं इन सारी बातों के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और जो लोग तुम्हें यूट्यूब पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, यूपीएसआई कल आने वाली है, यूपीएसआई 15 दिन बाद आने वाली है, इसके बारे में भी क्लियरली बात करेंगे। देखो, यहाँ पे कोई झोल झलावा तो है नहीं, जो तुम्हें बोलना है मुझे बोल के चल जाना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है तुम्हारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूपीएसआई के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल, और जब यूपीएसआई के फॉर्म आए थे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चली थी ये वाली कि यूपीएसआई की वैकेंसी निकलने वाली है। परंतु उसी समय पे हम लोगों को भी ये पता चल चुका था कि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आया ना, और उसमें इतने सारे आवेदन हो गए, 50 लाख के करीब आवेदन हुए हैं उसमें, तो एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर तक नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट के होने के बावजूद, कुछ लोगों का तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आ गया सेंटर, पर कुछ लोगों को बाहर भेजना पड़ा। तो जो कंपनी थी उसके साथ भी इतना झोल झमाला हुआ है कि अब पेपर लीक होने की भी बातें आप लोगों के सामने आ रही है। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो जब उसी समय पर हम लोगों को पता चल गया था, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की आई थी, कि यूपीएसआई की वैकेंसी अभी इतनी जल्दी में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपनी को ये टेंडर दिया हुआ है, वहाँ पे जब मीटिंग वगैरह हुई थी भर्ती बोर्ड से, तो उसने ये साफ कह दिया था कि भैया अभी तो हम पहले इसका ही करवा लें पेपर, इसके बाद यूपीएसआई पे फोकस करेंगे। क्योंकि पहले एक पेपर होना ज़रूरी है, उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि अगर एक पेपर पे फोकस नहीं करते तो उसमें भी गड़बड़े आती हैं, दिक्कत आ रही है, आप लोग देख ही सकते हैं, उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे, यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आ सकती है, मेरा आप लोगों को क्या सजेशन है, और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो भ्रामक होके घूम रहे हैं ना इधर उधर, उसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। देखो, सबसे पहली बात बच्चा, आप लोग युवा हैं, आप लोगों के पास पावर है, आप लोगों के पास दिमाग है, उस दिमाग का, उस बुद्धि का प्रयोग कीजिए, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, आप लोगों को एक बात बताओ, अगर वैकेंसी आज भी आ जाती है तो कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो ये कह दे कि आज भी वैकेंसी आई ना तब भी मेरे 330 प्लस मार्क्स हैं? अगर कोई इतना बच्चा कह रहा है तो वो जेन्युइनली लायक है और उसका जेन्युइनली सिलेक्शन होगा, चाहे वैकेंसी कब भी है। पर अगर तुम इतने लायक नहीं हो और तुम्हारे 300 तक नंबर नहीं बन पा रहे, तो तुम फिर बेफालतू में यूपीएसआई की बात कर रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चा पेपर आने के बाद तैयारी करता है ना, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता ज़िंदगी में। ठीक है, तुम देख लेना, पेपर जब भी आएगा ना, मैंने तुम्हें एक बात बोली है, यहाँ पे रॉकेट की स्पीड से काम होता है, यूपी है ये, यहाँ पे रॉकेट की स्पीड से काम होता है। जब भी तुम्हारी भर्ती आ गई, 2 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा, और अगर भर्ती नहीं आई तो नहीं आ रही, पता नहीं कब तक नहीं आ रही, और जिस दिन आ जाएगी 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पेपर हो जाएंगे। ठीक है, ये यूपी है, यहाँ पे रॉकेट की स्पीड से काम होता है या होता ही नहीं है कुछ भी, इस बात को समझ के चलो। तुम लोग भी, तुम लोग अपनी तैयारी बढ़िया रखो, 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इन सब्जेक्ट को मजबूत करो पहले। ठीक है, बार बार ये पूछने से कि यूपीएसआई की भर्ती कब आएगी और जब भर्ती आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तो तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सॉरी पर तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तुम बस यही देखते रहोगे, अभी मेरी वीडियो देखी, फिर नीचे वाले किसी और की वीडियो देखोगे, वो तुम्हें लॉलीपॉप सा देंगे, अरे आइए बच्चे ये करिए वो करिए। भाई मेरे पास कोई वो नहीं है ना, मेरे पास कोई स्टूडियो, देखो मैं तो छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ तुम लोगों के लिए, कि ताकि तुम लोगों को कुछ समझा सकूँ, पीछे पेड़ भी दिख रहे होंगे तुम्हें, मेरे तो पीछे ना कोई स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे को बस जो मेरे पास है, जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बस मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। तो इसीलिए अपने आप को इस पागलपंती से हटाओ, पेपर चाहे कभी भी हो तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। तुम अपने आप से पूछो, क्या मेरे 4 सब्जेक्ट क्लियर हैं, क्या आज मुझसे मैथ्स में कोई भी सवाल पूछ ले मैं कर दूंगा, क्या आज मुझसे रीजनिंग में कोई भी सवाल पूछ ले मैं कर दूंगा। जब तक ऐसा ना हो तब तक पढ़ते रहो, सबसे पहली बात। तो अगर तुम इस दौर में आए हो तो इस बात से मत आओ कॉम्पिटिशन है, ये है वो है, ये सबके साथ है, ये चीज़ें सबके साथ हैं,
इस चीज़ से ऊपर बढ़ो थोड़ा सा। अभी कुछ लोग आएंगे ज्ञान देंगे, मुझे मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं उनके पास ज्ञान की कमी नहीं, अथक भंडार है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भर्ती आते ही तुम्हारे अंदर का जो बुद्ध है वो जाग जाएगा, तुम्हारे मस्तिष्क की काली माँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो ज्ञान का अंधकार है वो हटके अज्ञान का अंधकार हटके और बिल्कुल ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। UPSI की भर्ती हो सकता है तुम्हारा 2 महीने लेट हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है। अभी तक UPSI की भर्ती की कोई न्यूज़ नहीं है। बस मैं तुम्हें यही सजेशन दे सकती हूँ कि आप लोग अपना पढ़िए, अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, चाहे कोई सा भी पेपर आए आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास तुम्हें लॉलीपॉप देने के लिए कोई बातें नहीं है, पर मैं तुम्हें जो भी बोलूँगी ना वो सच बोलूँगी, क्योंकि मुझे कोई कोर्स तो बेचना नहीं है, ना ही मुझे कोई फ़ायदा होना, बस तुम्हें समझाने के लिए ताकि तुम गलत राह पे ना पकड़ो। और अगर किसी एक बच्चे ने भी समझ ली ना मेरी बात तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, समझ रहे हो इस बात को। तो प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भर्ती चाहे कभी भी आए तुम्हारा पेपर क्लियर होना चाहिए, उसके लिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बहुत कॉम्पिटिशन है और साथ में इतने दलाल लोग हैं ना, उन सबसे निकल के आना तुम्हें। हमारे टाइम पर भी बहुत सारे 15 लाख वाले सेलेक्ट हुए थे, मैं उनमें से भी सेलेक्ट होकर आई हुई हूँ और जेन्युइनली कह रही हूँ, 1 रुपया कहीं नहीं लगा, ठीक है, 1 रुपया कहीं नहीं लगा। मैं कैसे कह दूँ कि भर्ती में वो हुई है, हम नहीं कह सकते क्योंकि हम खुद ही आए हैं, हमारे पास है ही नहीं पैसे, हमारे घर की वो स्थिति नहीं है। मैंने आज सुबह वाली वीडियो में भी तुम लोगों को एक बात कही थी कि हम उस घर से हैं कि जहाँ पे ट्रेन में और बस में जाने के लिए ना हम ये कंपैरिजन करते हैं कि ट्रेन में जाएं कि बस में जाएं, क्योंकि हम ट्रेन में जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि बस में ज़्यादा पैसे लगते हैं। हम उस वहाँ से आते हैं, मतलब उस एरिया से आते हैं, समझ रहे हो। तो हमें पता है कि क्या कंडीशन होती है घर की, आप लोग भी अपने घर की कंडीशन समझो सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, भर्ती कभी भी आए तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर तुम मेहनत करोगे तो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, कुछ नहीं कर सकता भाई। अब मेरी वीडियो देख ली, शाम को किसी और की वीडियो देख ली, बस पूरे दिन वीडियोज़ देखते रहना, मेरी स्ट्रैटेजी देखोगे फिर नीचे स्क्रॉल करते रहोगे फिर किसी और की स्ट्रैटेजी देख लोगे, क्या फ़ायदा, क्या मतलब है इससे। ऐसे सिलेक्शन नहीं होते, मेहनत से सिलेक्शन होते हैं। जिस दिन मेहनत करोगे ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होने वाला है, जब मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं लगेगा, तो अंदर से मना कर देगा मन कि नहीं होगा तेरा, तू चाहे कितनी धूप बत्ती अगरबत्ती कर लो, कितना ही इधर भगवान को पूछ लो, कोई भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करेगा जब तक तुम अपने से मेहनत नहीं करते, ठीक है। सच बात बता रही हूँ, हो सकता है बुरी लगे तो लगे, मैं क्या करूँ, अच्छी लगे तो भी लगे तब भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें ही करना है, अपने लिए मेहनत करो, अपने परिवार के लिए मेहनत करो, बस। UPSI की वैकेंसी शायद 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद आ जाए, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, अब तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, आ जाए तो भगवान बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जय हिंद।